press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत के दो बहादुर बेटियों को, एक तरफ आप देखेंगे विभाग पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। असदुद्दीन अवैसी ने जब फिलिस्तीन के जय जयकार लगाए, जिंदाबाद का नारा लगाया, सारे लोग जो इस भारत की भूमि से मोहब्बत करते हैं, इस राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं, संविधान के आर्टिकल 102 से मोहब्बत करते हैं, संविधान के आर्टिकल 103 से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी। आप मुझे एक प्रक्रिया कांग्रेस वाले की बता दीजिए कि उन्होंने ये कहा हो कि असदुद्दीन अवैसी ने गलत किया है, संविधान की विरोधिता की है। चाइना के रंग का लाल संविधान लेकर के राहुल गांधी जी अंग्रेजी में शपथ तो ले लिए, बिल्कुल ले लिया अंग्रेजी में, लेकिन क्या उन्होंने उसी संविधान को बचाने के लिए जो बार बार ड्यूरिंग इलेक्शन से लेकर अब तक वो कह रहे हैं कि वो संविधान बचाएंगे, क्या उस संविधान का हवाला दे करके उन्होंने असदुद्दीन अवैसी के विरोध में बात किया? उन्होंने कहा कि अवैसी ने बहुत गलत किया है और हमारी पार्टी भी इस पर कुछ ना कुछ स्टेप लेगी, लीगल एक्शन लेगी? नहीं कहा, क्योंकि उनके दिल में फलस्तीन से मोहब्बत है, उनके दिल में पाकिस्तानी मोहब्बत है, उनके दिल में मुगलिया मोहब्बत है और गांधी परिवार तो बाबर का डिवोटी हमेशा रहा है। ये बात किससे छुपी हुई है? ये बात तो किसी से छुपी भी नहीं है। और सैम पित्रोदा को लाने का दोबारा मतलब मकसद और मतलब इतना आसान नहीं है अंबर जी, इतना आसान नहीं है। आप समझिए कि एक बार फिर और कई राज्यों में अभी विधानसभा इलेक्शन है, एकदम कंटिन्यूअसली है, 2025 में, 2026 में, 2027 तक में कई राज्यों में भारत में विधानसभा इलेक्शन है, फिर से ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलेंगे। और क्योंकि सैम पित्रोदा ने खुलझड़ी जलाई हुई है कि कोई गोरा है तो अमेरिकन है, कोई काला है तो अफ्रीकन है, कोई शार्प फीचर्स का है तो वो मिस्र का है, तो ऐसी चीजों से अब क्योंकि वो कास्ट सेंसस वाला फुलझड़ी चलेगा नहीं, तो अब ये पहले से इनिशिएट कर दिया गया था, पहले से नींव रख दी गई थी नफरत की, अब उसको हाईलाइट और पॉपुलर किया जाएगा आने वाले राज्यों के विधानसभा में और लोगों को अलग करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और ये बात असदुद्दीन अवैसी के जय फलस्तीन के नारे में भी है, इसमें मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, इसका विश्लेषण किया है कि इसका मतलब क्या है और इसके पीछे का जो मैसेज है वो असदुद्दीन अवैसी इस देश के मुसलमानों को दे चुके हैं। आज का जिन्ना, मॉडर्न डे जिन्ना मैं उनको बोलती हूँ, और वही वो काम कर रहे हैं इस देश के मुसलमानों को विभाजित करने का और एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो उनका उद्देश्य है उसी के तहत उन्होंने जय फलस्तीन का नारा लगाया। तो चाहे सैम पित्रोदा की बात करें या ओवैसी की बात करें, भारत के लोगों को, भारत को बांटने की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती जा रही है। इसका इलाज क्या आपको नजर आता है नाज़िया? इसका इलाज यही होगा कि हमें हमारे संविधान को और कानून को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिस तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पर सर्वोच्च न्यायपालिका थोड़ा सा इग्नोरेंस बरत देता है, अब जैसे ज्ञानवापी मंदिर के मामले में जब ज्ञानवापी मस्जिद का पक्ष जाता है तो पूरी रात बैठ करके सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस उसके पिटिशन पढ़ लेते हैं और सुबह पेशकार फोन भी कर देता है और स्क्रूटनी डिपार्टमेंट 6 बजे सुबह में फोन भी कर देता है। तो इस तरीके के जो एनर्जेटिक जो एक्टिविटी सर्वोच्च न्यायपालिका दिखाता है मुस्लिम पक्षों के लिए, ठीक उसी तरीके से इस राष्ट्र की हिफाजत के लिए, इस भूमि की सुरक्षा के लिए और ऐसे ऐसे देश विरोधी लोगों के खिलाफ सुओ मोटो का एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप देखिए, हम लोग, मैं और आप, हम दोनों मुसलमान हैं और हमें फक्र होता है जैसे जैसे अरब बहुत रिफॉर्म कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, हमें बहुत प्राउड फील होता है जो ईरान पहले हिजाब के लिए इतने क्रिटिसिज्म में घिरा रहता था, आज वो इतना ज्यादा रिफॉर्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। अबू धाबी और दुबई हम जाते हैं तो हमें फील ही नहीं होता है कि हम किसी मुस्लिम कंट्री में हैं, बिल्कुल भी फील नहीं होता है। किर्गिस्तान चले जाएं, टर्की चले जाएं, हमें एहसास ही नहीं होता है कि किसी बहुत हाईली पॉपुलेटेड हम लोग मुस्लिम कंट्री में बैठे हुए हैं। तो रिफॉर्मेशन बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सऊदी अरबिया का जो कानून है वो बहुत सख्त है और सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, और किसी भी तरीके का कोई भी रिफरेंस या किसी का कोई छल कपट कानून के बीच में नहीं आता है।
उसी तरीके से सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से भारत को कानून को सख्त करना पड़ेगा और जितने भी इमरजेंसी के वक्त में जिन आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ करके इन इन टेररिज्म और जंगजू और जिहादी माइंडेड को उत्साह दिया गया है उसको ठीक से अमेंड करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जितनी एनर्जी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए हेयरिंग सुनने के लिए द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिखाता है वही एनर्जी दिखाना पड़ेगा इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। जितना समय सर्वोच्च न्यायपालिका कपिल सिब्बल जी को 370 हटाने के लिए दिखाता है उतना ही समय सर्वोच्च न्यायपालिका को देना पड़ेगा इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कोई पिटीशन फाइल हो रहा है उसको भी सुनने के लिए। एब्सोल्युटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत सारे मसलों में एकदम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी संसद में ही खड़े होकर जो फलस्तीन का नारा लगा देते हैं हमारे राष्ट्रपति उस पर कुछ भी नहीं करते। संज्ञान लेना बहुत जरूरी क्योंकि इसके पीछे का जो मैसेज है वो बहुत खतरनाक है हमारे देश की अखंडता के लिए और इस देश के लोगों के लिए। तो समय रहते इस सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नाजिया एक आम आदमी पे एक आम नागरिक पे तो एक बेचारा कोई चोर मतलब बेचारा चोर बेचारा नहीं होता बट फिर भी कोई आम आदमी किसी के ऊपर किसी चोरी का छोटा इल्जाम कुछ लग जाए तो उसको तो बड़ी लंबी सजा भुगतनी पड़ती है। और मेरे पास इस तरह के बड़े केसेस हैं कि छोटा सा कुछ केस हो गया और कई कई साल जेल में लोगों ने काटे हैं बिना किसी बड़े गुनाह के और उनपे बड़ी सजाएं लग जाती है लेकिन इस तरह के लोग कुछ भी करते हैं उनपे कोई कार्रवाई कोई सजा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है लेकिन फिर भी बराबर नजर नहीं आता है होता हुआ। हाँ मैं अपने बारे में ही बात कर लेती हूँ कि 2022 में मुझे डिटेन किया गया था और एक फेक फैब्रिकेट FIR पर। अब देखिए पश्चिम बंगाल में तो CBI ऑफिसर भी लॉकअप हो जाते हैं NIA के ऑफिसर के ऊपर भी रेप के केसेस लग जाते हैं ED के ऑफिसर्स के ऊपर भी आक्रमण होता है। यहाँ पर कई नेशनल न्यूज चैनल्स हैं जिनके ऊपर रेप के केसेस भी चढ़े हैं और NDPS के भी FIR हुए हैं कई नेशनल चैनल के रिपोर्टर के ऊपर। तो हालांकि मुझे कुछ घंटों में बेल मिला लेकिन आज भी इंसल्ट करने वाले उन चीजों को उठा करके इंसल्ट करते हैं और जब मैं उनको उस केस में टैग करती हूँ तो माफीनामा भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो VIP कल्चर है कि अच्छा ये इंदिरा गांधी जी का पोता है तो इसलिए इसको माफ कर दिया जाए, अच्छा ये इंदिरा गांधी के पोते का सैम पित्रोदा बहुत अच्छा दोस्त है और गुरु है तो इसको माफ कर दिया जाए, अच्छा कासिम रिजवी का और रजाकार की फौज का आखिरी सिपा सलार है असदुद्दीन ओवैसी तो इसको माफ कर दिया जाए, ये जो कल्चर है VIP कल्चर ये खत्म हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। जैसे एक आम व्यक्ति अगर एक पिक पॉकेट के केस में अरेस्ट होता है और उसके साथ जो सलूक किया जाता है सेम वैसा ही सुलूक अगर कोई बड़ा नेता चोरी करता है तो उसके साथ भी वैसा ही सुलूक करना चाहिए क्योंकि बड़ा नेता जब स्कैम करता है और चोरी करता है तो वो देश की जनता का चोरी करता है और स्कैम करता है। कोई बड़े नेते का गुरु सैम पित्रोदा या कासिम रिजवी का और रजाकार की फौज का सिपा सलार असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी स्ट्रैटेजी को सेट कर रहा है वो देश को बांटने की स्ट्रैटेजी को सेट कर रहा है तो मुझे लगता है कि एक मामूली पिक पॉकेट के चोर से ज्यादा खतरा हमें ऐसे ऐसे शेरवानी और ऐसे ऐसे ब्लेजर और कोट वालों से है जो अपने अपने चेहरे पर एक बहुत इलीट और क्लासी क्लास का एक कवच पहने हुए हैं और देश को खोखला करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो VIP कल्चर खत्म होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है एयरपोर्ट पे भी जितने भी नेता और लीडर होते हैं वो VIP लाउंज में जाकर के बैठ जाते हैं। मैं जब अभी दिल्ली आ रही थी और दिल्ली से रिटर्न आ रही तो काफी लोग मेरे पास आ गए मिलने के लिए, उन्होंने कहा आप ऐसे बैठी हुई, मैंने कहा ऐसे ना बैठती तो आपसे मुलाकात कैसे होती, जनता से इंट्रैक्शन कैसे होता। तो ये जो VVIP और VIP जो कल्चर है VIP लाउंज में बैठ करके फोटो खिंचवाने का, आई जस्ट हेट दिस। नेता तभी बनता है जब वो जनता का प्रिय होता है, उसके हृदय में झांक करके वो देख पाता है। आप नेता कैसे जब आप जनता के करीब ही नहीं गए। मुझे भी ऐसा फील होता है अंबर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल VIP कल्चर खत्म होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और खासतौर से आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाजिया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी ने भारत में कानून को सख्त करने की सख्त हिमायत की और खासकर
वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात की, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।